फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लावर स्टैंड कैसे बनता है, क्या क्या उसमें लगता है। ये देखिए, दो कलर का मैंने ये वायर लिया है और कुछ इसमें ये मोती लगेंगे फ्लावर टाइप में, बड़े मोती हैं, मोती लगाऊंगी। और ये बेल्स, बस इसमें ये लगेगा, रिंग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ये वायर छोड़ा लिया है मैंने पूरा 16 और 2.5 ढाई मीटर लिया है मैंने ये। और इसमें डालना किस में, छोटा सा वायर लिया है एक, इसी में डालना है पूरा वायर। ये देखिए, डालने का तरीका बताती हूँ कैसे डलता है। देखिए, एक वायर को इधर से दो लड़ करना है, दो लड़ करने के बाद मैं इसी वायर में डालूंगी, मैं रिंग वगैरह इसमें नहीं लगेगी कुछ भी। देखिए, इस तरीके से इसमें मैं डाल दूंगी सबको दो लड़ करके। फ्लावर पॉट भी बनती है, वो मेरे चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रखी हूँ। ये फ्लावर स्टैंड है क्योंकि इसमें 2-3 फ्लावर हम टांग सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरा पहले ग्रीन डाल रही हूँ, फिर ये रेड वायर पूरा डाल के तैयार कर लूँगी। अभी देखिए, पूरा वायर इसमें मैं डाल के तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद में इसमें सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए, इस तरीके से ये फर्स्ट वायर पकड़ के इसमें मैं मोती डालूँगी। ये दोनों में मैं मोती डाल दूँगी। देखिए, ब्लू कलर का मैंने ये मोती लिया है फ्लावर शेप में। ये देखिए, दो वायर में रेड कलर के में मैंने एक ये मोती डाल दिया। मोती डालने के बाद में इसमें एक वायर में पकड़ूंगी, पकड़ के इसमें सबसे पहले पाइपिंग निकालनी है। इसमें नोट्स नहीं लगेंगे, जो भी हम कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नोट्स लगते हैं, लेकिन मैं इसमें नोट्स नहीं लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं पाइपिंग निकालूंगी, इसमें एक एक वायर को दो बार इसमें पलेटा लगाना है इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए, रेड वाली पूरी पाइपिंग निकाल दी। अभी ये मैं ग्रीन की पाइपिंग निकालूंगी। एक का इसमें दो पलेटे लगाने हैं इसमें इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड, ऐसे मैं पूरे में मोती डाल डाल के ये दो वायर में मैं मोती डालती हूँ। रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये डाल डाल के ऐसी इसकी शेप बनती आएगी। लास्ट में फिर इसमें मैं लास्ट में नोट्स लगाऊंगी इस तरीके से। तो फिर ये फ्लावर रखने की, ये फ्लावर पॉट, 2-3 इसमें स्टैंड बनाऊंगी मैं। और बनाने का तरीका, ये देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें नोट्स लास्ट में लगते हैं। ये दो वायर में मोती डाल के, हर दो दो में डाल डाल के, और इसमें जितना बाकी बच जाता है उसमें पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। ये इस तरीके से अच्छे से इसको टाइट टाइट लेना है, क्योंकि इसकी टाइट लेने से शेप अच्छी आएगी। ये इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे बस लास्ट अब ग्रीन बच गए पूरे। उधर से ले ला के पाइपिंग निकाल निकाल के इधर में, अभी देखिए, वही एक वायर में मैंने दो वायर मोती में डाला था, एक वायर में पाइपिंग निकाल चुकी। अब इसी तरीके से मैं ये दूसरे वायर में निकालूंगी। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ के इसको, ये ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें दो बार इसमें प्लेटा लगाने हैं इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, ये फ्लावर रखने का, ये मेरा इधर तक बनके तैयार हो गया। इसमें हम छोटा फ्लावर रख सकते हैं। अभी मैंने ये फर्स्ट स्टैंड इसमें बना चुका है। और नीचे करना क्या है, इसमें नीचे जैसे नोट्स लगेंगे, इसमें ये नोट्स लगाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। इस तरीके से चार चार वायर पकड़ के, ये ऐसे चार वायर पकड़ के इसमें, और ये देखिए, इस तरीके से इसमें ये नोट्स लगाने हैं।
नोट्स लगा के फिर मैं नीचे भी ऐसी ही डिजाइन सेम ऐसे ही एक एक वायर पकड़ पकड़ के उसमें पाइपिंग निकाल के मोती डाल के, और हम इसमें कितने भी स्टैंड बना सकते हैं चाहे इतने। मैं इसमें पांच का बनाऊंगी, पांच स्टैंड, पांच फ्लावर रख सकते हैं। फिर उसमें ये देखिए ऐसे ये चार वायर पकड़ने, इसमें चार वायर पकड़ के और इस तरीके से, ये इस तरीके से इसमें नोट्स लगाऊंगी। नोट्स लगा के फिर मैं नीचे ये डिजाइन, अभी देखिए पूरा करने के बाद में ऐसे मैं इसमें नोट्स लगा के, नोट्स लगाना इसमें सिंपल ऐसे चार चार वायर पकड़ के इस तरीके से। ये देखिए अब इसको छोड़ना है, अगला चार पकड़ के फिर इनमें भी नोट्स लगाना है। ये नोट्स, पांच नोट्स इधर आना चाहिए, पांच इधर आने चाहिए आगे पीछे, और फिर पीछे से स्टार्टिंग करेंगे हम बनाने की इसको। ये देखिए इसी तरीके से मैं इसमें नोट्स लगा लगा के, देखिए इसमें जैसे कि फाइव नोट्स हो जाएंगे इसकी लेंथ, तो फिर उसके बाद में मैं यही डिजाइन फिर से बनाऊंगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका बनाने का। देखिए इस तरीके से चार चार वायर पकड़ के उस सब में इसमें नोट्स लगा देना है चारों तरफ। अभी देखिए नोट्स लगा के मैं इसमें तैयार कर दिया। ये देखिए पूरे यहाँ तक नोट्स मैंने इधर से स्टार्टिंग करना, 1 2 3 4 5 नोट्स लगाए हैं, 5 नोट्स इधर लगाया है और 4 नोट्स पीछे लगाया है। अब सबसे पहले पीछे से ये रेड कलर का वायर पकड़ना है, और पकड़ के जैसे मैंने ऊपर से स्टार्टिंग किया था ऐसे इसमें ये मोती डाल दूंगी मैं सबसे पहले। अभी देखिए इधर मैंने ये दो में मोती डाल दिया, दो वायर में मोती डाल के, और इसको ऐसे करके पाइपिंग निकालनी है इसमें। कुछ नहीं, नोट्स लगाना मैं बता दिया, पाइपिंग ऊपर निकालना मैंने बता भी चुका, लेकिन फिर भी इधर मैं एक बार पाइपिंग निकालना और बता देती हूँ। इस तरीके से एक वायर का दो प्लेटा लगाना है इसमें, ये देखिए इस तरीके से वो सुंदर लगती है फ्लावर पॉट बनने के बाद में। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, फिर से समझाऊंगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से ऐसे अच्छे से इसमें पाइपिंग निकालनी है। रेड की पूरी हो चुकी, अभी मैं इसको बोल के आवाज नहीं आ रही। अभी देखिए जैसे कि मैंने इधर फर्स्ट मोती डाला था और पाइपिंग निकालते निकालते इधर तक लेके आ गई थी, ऐसे ही मैं इस साइड में इसमें फर्स्ट मोती डाल के पाइपिंग निकाल के इधर जैसे हाफ ये नोट्स लगा, इसमें से दो लेना है, दो इधर छोड़ना है, और ऐसे ही मैं अभी दो वायर इधर का पकड़ के और इसमें मोती डालूंगी। इस तरफ जैसे डाला मैंने ऐसे इस तरफ डालूंगी। मैं देखिए जैसे इधर वन मोती डाल दिया, ऐसे ही इधर भी दो वायर में वन मोती डाल के और एक एक वायर पकड़ के इसमें पाइपिंग निकालना है, और पाइपिंग निकाल के आगे की तरफ इसमें लेके जाना है इस तरीके से। एक एक वायर का दो दो इसमें नोट्स लगाने हैं, नोट्स ने इसमें प्लेटें लगाने इस तरीके से ऐसे। बिल्कुल सिंपल तरीका है बनने के बाद में, इतना सुंदर लगता है ये एकदम न्यू डिजाइन हटके फ्लावर पॉट की।
इसमें जितनी भी हम लेंथ देंगे उतनी दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये रेड कलर का नोट्स लग चुके और अभी ये ग्रीन कलर आ जाएंगे। पूरा रेड पीछे के हैं, जैसे ये पीछे के थे तो इधर आ गए थे पाइपिंग निकाल निकाल के, ऐसे ये पीछे के इधर लाके इतने भी हैं इतने, इस तरीके से देखना। इस तरीके से ये बहुत ही पूरे इधर तक, जैसे इसमें सेप आई है ऐसे ही सेप इसमें आ जाएगी। ऐसे ही मैं पूरा बना के इसको तैयार कर लूँगी। दोनों तरफ मोती डालने का तरीका मैं बताई दी और सब मैं ऐसे इसमें दो दो वायर पकड़ के अभी इसमें डाला था, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहाँ तक इसमें मोती आ जाएंगी इसके जैसे। अभी देखिए फ्रेंड ये पूरा मेरा बन के कम्प्लीट हो गया। ये देखना ऊपर से और नीचे तक मैंने ये 5 स्टैंड बनाए हैं और नीचे इसमें लटकन लटकानी होती है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। देखिए इस तरीके से, और इसमें ये फूल ऐसे लगा सकते हैं हम, इसमें छोटे फूल आते हैं, ये मेरे बड़े हाथ के बने हुए ही हैं, ये इस तरीके से इसमें ये फूल लगा सकते हैं हम। ये देखिए ऐसे अलग अलग इसमें हर डिजाइन भी लगा सकते हैं, एक डिजाइन भी लगा सकते हैं, छोटे फ्लावर हम। ये 5 का स्टैंड बनाया है मैंने। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। Thank you.